अब जाकर 32, 32 रन। पांचवा ओवर प्रगति पर है। टॉस जीता महादेव पोसालिया ने और टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। जवाब में काफी शानदार गेंदबाजी, फील्डिंग का फैसला सही साबित करते हुए गेंदबाजों ने 3 विकेट चटका दिए। बेहतरीन शॉट, गेंद पॉइंट की दिशा में, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, जबरदस्त दर्शन स्ट्रोक, ये लगा एमएलपी चौका। व्हाट अ शॉट! यस, हम भगवान को इस रूप में जानते हैं कि भगवान हम सबके तारणहार हैं। फिलहाल यहां पर तारणहार बनते हुए नजर आ रहे हैं भगवान, जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। कट करना चाहते थे गेंद को, अंदरूनी किनारा लगा, फाइन लेग की तरफ, डीप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। थर्ड मैन के खिलाड़ी जब तक गेंद पर लपकेंगे, उठाकर थ्रो करेंगे, तब तक 2 रन बिल्कुल आसानी से दौड़ते हुए पूरे करेंगे दोनों बल्लेबाज। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है। अब जाकर बाई का इशारा माफ कीजिए अंपायर का, अच्छा 1 रन शॉट, माफ कीजिए सॉरी, बैट से है लेकिन 1 रन शॉट है, तो 1 ही रन रहेगा सिर्फ। तो अंपायर्स की नजर पैनी है, जैसा कि हम लोग कल से बताते आ रहे हैं। एमसीए पैनल के दोनों ही अंपायर सुधीर पाटिल सर और प्रकाश रजक सर जी और राम सरोज सर जी, ये तीनों ही अंपायर्स का हमें बहुत ही जबरदस्त सहयोग, बहुत ही जबरदस्त मेहनत हमें देखने को मिली है इस पूरे टूर्नामेंट में। रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 38 रन, 37 रन माफ कीजिए। अपील हुई जोरदार, लेकिन अंपायर पर दबाव बनाने के लिए ये काफी नहीं थी अपील। फिलहाल ये गेंद डॉट और रन अभी भी रुका हुआ है 37, तो 38 से वो जो शॉर्ट रन था उसके वजह से 37 रन, 37 टोटल स्कोर है। भगवान आगे निकले इस बार डाउन द ट्रैक, सामने की तरफ खेलने का प्रयास, गेंद हाथों में आई, अगर स्टंप पर लगती तो शायद यहां पर समर्थ का विकेट मिल सकता था, लेकिन जवाब में ओवर थ्रो के रूप में 1 रन यहां पर और मिलता हुआ एसटीएम सुपरस्टार्स को। कुल स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब जाकर 38-38 रन। पांचवा ओवर प्रगति पर है। नरेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं, दो ओवर महेंद्र और 2 ओवर नितेश ने अपने अपने कोटे के पूरे कर लिए हैं। 1 ओवर और किसी गेंदबाज को दिया जा सकता है इन दोनों में से, 3 ओवर का जो खेल है। हेलो, जो तीनों टीमें जो सेमीफाइनल में प्रवेश किए हैं वो कमेंट्री बॉक्स के पास में आ जाए। युवा संघ के कैप्टेंस, गोडवाल 11 के कैप्टन और गहलोत 11 के कैप्टेंस, अभी जो सेमीफाइनल होंगे उसका ड्रॉ होने जा रहा है। जो 3 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं उनके कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के पास में पहुंच जाए, और चौथी जो टीम है, ये जो मैच चल रहा है उसका एक खिलाड़ी कोई भी आ जाए। ये चारों जो दोनों मैच होंगे चारों टीमों के बीच में, उसका ड्रॉ भी होने जा रहा है। और शानदार छक्का, क्या बात है, मेरी कमेंट्री होगी तो छक्के पे छक्का लगेगा, जोरदार, व्हाट ए वंडरफुल शॉट। बिल्कुल यहाँ पे जो दर्शक आए हैं माली समाज के, वो आपका खेल देखना चाहते हैं, टुक टुक 1-2 से नहीं, चौकों और छक्कों की बरसात होनी चाहिए। जो लाइव मैच देख रहे हैं उनका भी एंजॉयमेंट होना चाहिए, उनका भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर परफॉर्मेंस, जो तीनों टीमें जो सेमीफाइनल में प्रवेश किए हैं, युवा संघ, गोडवार 11 और गहलोत 11, उनके कैप्टन आ जाए, और जो ये 2 टीमें खेल रही है उनके 1-1 खिलाड़ी आ जाए। अभी जो आगे के जो मैच होंगे 2 सेमीफाइनल, उसके लिए ड्रॉ होने जा रहा है। गहलोत, गोडवार और युवा संघ के कैप्टन आ जाए, अभी आगे के सेमीफाइनल के लिए ड्रॉ होने जा रहा है, ताकि आपको भी टाइम मिले, किसके साथ आपका मैच है, क्या आपको रणनीति बनानी है, कैसे खेलना है। गेंदबाज खेताराम, 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है पहले पारी की, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या कुल मिलाकर 45-45 रन। कमिटी मेंबर्स कमिटी में आइए। और खेताराम भी एक अच्छे गेंदबाज हैं, व्यक्तिगत चौथे गेंदबाज के रूप में
टीम ने उनका उपयोग किया है। ब्लॉकर लेन की गेंद, इस बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश, अपील भी हुई लेकिन वो अपील नागवार गुजरी अंपायर को, डॉट बॉल। एक और अगली गेंद खेता राम की, इस बार लेग स्टंप से ज्यादा बाहर, एक और एक्स्ट्रा, और इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंची है 45-45 रन। कौन होगा KM3 कप का ये चौथा सेमीफाइनलिस्ट, इस मुकाबले के बाद देखने को मिलेगा। फिलहाल जंग अभी भी जारी है और बड़े शॉट खेलने का प्रयास लगातार जारी है समर्थ के द्वारा, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। एक छक्का हालांकि पिछली गेंद पर जबरदस्त हमें देखने को मिला इस ओवर के। अब देखना है आगे की जो गेंदें बची हैं उस पर किस प्रकार से रन बनाएंगे। आगे निकलकर खेलने का प्रयास, पैरों पर लगी गेंद, कीपर ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन तब तक सुरक्षित क्रीज में दोनों बल्लेबाज, और एक रन यहां पर मिलता हुआ इस बीच समर्थ को, और इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है अब जाकर 47-47 रन। पांचवा छठा ओवर प्रगति पर है और इस बार हल्के हाथों से ढकेलकर भगवान ने गेंद को मोड़ दिया है। डीप कवर में फील्डर मौजूद है, वहां पर दौड़ लगाकर गेंद को चेस किया और उठाया, जब तक थ्रो करते तब तक दो रन बिल्कुल खूबसूरती के साथ लाजवाब रनिंग के द्वारा पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। भगवान ऐसी पारी खेल रहे हैं कि बिल्कुल तारनहार साबित हो रहे हैं अपने टीम के लिए, पूरी तरह से सारे कष्ट हर लिए अपने टीम के। शानदार बल्लेबाजी भगवान के द्वारा और उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं समर्थ। वो जानते हैं विकेट काफ़ी गिर चुके हैं, शुरुआत में 3 विकेट काफ़ी जल्दी गिरे, ज़्यादा बड़ी पारी कोई खेल नहीं सका, लेकिन उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा जो पार्टनरशिप देखने को मिली बिल्कुल लाजवाब, और ये समय पर जो ज़रूरत है उसके मुताबिक बैटिंग करते हुए दोनों ही बल्लेबाज समर्थ और भगवान। अब नए गेंदबाज आए हैं नरेंद्र, एक बार फिर से व्यक्तिगत दूसरा और अपनी टीम के लिए 7वां ओवर लेकर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या 49। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक बार फिर से गेंद और बल्ले का संपर्क सही नहीं, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए आसान सा कैच छूटता हुआ, लेकिन इस बीच 2 रन लेने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास और वो 2 रन सुरक्षित पूरे होते हुए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच एक जबरदस्त दौड़ लगाई है दोनों बल्लेबाजों ने, काबिले तारीफ। और काफ़ी देर से खेल रहे हैं तो थोड़ी बहुत थकावट भी लगी होगी, लेकिन वो थकावट इस समय क्रिकेट के माहौल और क्रिकेट की गर्मी के आगे कुछ नहीं है। इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया है, गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी एक बार फिर से गेंद के नीचे है, लेकिन कैच पकड़ने का कोई मौका नहीं क्योंकि गेंद थोड़ा सा आगे गिरी थी उनके, इसलिए ज़्यादा जोखिम नहीं उठाया। हालांकि डाइव लगाते तो शायद करीबी मामला हो जाता था, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला इस मुकाबले में। फिलहाल इस गेंद पर भी 2 रन मिले समर्थ को और इस 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है अर्धशतक को पार करती हुई, कुल 53 रन, 53 रन बन चुके हैं अब तक। बहुत ही अच्छा स्कोर यहां देखने को मिल रहा है, उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप रन रेट इसी प्रकार से बरकरार रखें। और ये अरे मंगल लाल जी, बिल्कुल यार आपका तो कहना भी क्या है, तारीफ़ है काबिल, वास्तव में लाजवाब। हाँ प्रशांत सर, आशीष सर कंटिन्यू। हालांकि 2 रन काफ़ी तेज़ी से दौड़े दोनों बल्लेबाज, लेकिन 1 रन शॉट, अंपायर की नज़र काफ़ी पैनी है, निगाहें हर तरफ है, तो अंपायर की नज़रों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मैदान पर। अगली गेंद नरेंद्र की, फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद इस बार विकेट कीपर के पीछे जाती हुई फाइन लेग पर, जब तक गेंद फील्ड होती थ्रो आता, 1 रन के साथ दोनों ही खिलाड़ी सुरक्षित अपने अपने क्रीज में, और स्ट्राइक एक बार फिर से भगवान के हाथों में रहेगी। भगवान लगातार प्रयास कर रहे हैं बड़े बड़े हिट लगाने का और सफल भी हो रहे हैं, ज़्यादातर देखना होगा उनके बल्ले से अगला हिट या फिर कोई पहला सिक्सर देखने को मिलता है या नहीं। अगली गेंद आगे निकले, इस बार बल्ले का किनारा लगता हुआ सीधे विकेट कीपर के हाथों में, और बहुत बड़ा विकेट कहेंगे, बड़ी मछली जाल में इस बार भगवान के रूप में, बड़ा विकेट, और ये 4th विकेट गिरता हुआ बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद एसटीएम सुपरस्टार्स का। भरत नए बल्लेबाज के रूप में, मोस्ट वेलकम भरत एंड बैटिंग क्रीज एज न्यू बैट्समैन। आखिरी गेंद इस ओवर की नरेंद्र की, इस बार बैकफुट पर गए
हल्का सा हुक किया वहां पर, गेंद डीप पॉइंट में खेले फील्डर के हाथों में गई है, सिर्फ एक रन लेने का मौका और इस एक रन के साथ अगले ओवर में स्ट्राइक अपने पास रखेंगे नए बल्लेबाज भरत खाता खोलते हुए, और इस एक रन के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की कुल संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 57 रन चार विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एचटीएम सुपरस्टार्स। आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला हम देख रहे हैं माली लक्ष्मी दास प्रीमियर लीग मुंबई द्वारा आयोजित KM3 कप 2018 पावर्ड बाय स्वीट्स नाशिक, और आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला कौन होगा चौथा सेमीफाइनलिस्ट कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा जब दूसरी पारी की समाप्ति होगी। महेंद्र माली आगे निकले, इस बार गेंद बल्ले के बीचों बीच जरूर लगी है लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग से चूके यहां पर, कैच एक बार अटेम्प्ट किया, दूसरी बार अटेम्प्ट किया लेकिन तीसरी बार वो कैच टपकता हुआ और एक बड़ा विकेट कहूंगा इस बार छूटता हुआ। भरत आते ही एक अच्छा शॉट लगाया और अगली गेंद पर फिर से दोबारा वही शॉट ट्राई किया, सफल भी हुए हालांकि लेकिन कैच छूटता हुआ और इसी के साथ एक सिंगल भी मिला। रनों के साथ बढ़ के संख्या पहुंच चुकी है अब जाकर 58। अगली गेंद इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया, बैक फुट पर गए, अगली गेंद महेंद्र कुमार की, इस बार सामने की तरफ खेला सीधे बल्ले से, गेंदबाज के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद पर आए बिल्कुल आसानी से और आराम से, जब तक गेंद पर आएंगे तब तक बल्लेबाज दो रन तो पूरा कर ही लेंगे और तीसरा रन लेने का मौका भी था तो वो भी पूरा होता हुआ यहां पर, और इन तीन रनों के साथ स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या अब जाकर पहुंच चुकी है 60 रन। आखिरी ओवर की तीन गेंदे शेष पहली पारी की, महेंद्र कुमार की अगली गेंद, अजीबोगरीब शॉट खेलने का प्रयास लेकिन यू मिस आई हिट जताते हुए यहां पर महेंद्र कुमार और गिल्लियां बिखेर दी स्टंप की, एक और विकेट बल्लेबाज भरत बैक टू द पवेलियन। टोटल स्कोर है रुका हुआ अभी भी 60 रन 60। अब दो गेंदे शेष हैं, विकेट लगातार जा रहे हैं, फिलहाल लड़ाई अब इसी की रहेगी कि एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा जाए। और एक और क्लीन बोल्ड, लगातार दो गेंदों में दो विकेट और दोनों ही क्लीन बोल्ड, शानदार गेंदबाजी महेंद्र कुमार के द्वारा, विकेटों पर विकेटों चटकाए जाते हैं और अपने टीम का पलड़ा यहां पर भारी कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी। बिल्कुल स्कोर अब तक स्कोर है अभी भी रुका हुआ 60 रन पे 60 रन 60 रन बन चुके हैं अब तक। पारी की आखिरी गेंद है और हैट्रिक का चांस है, कल हमें एक हैट्रिक देखने को मिली थी, क्या ये दूसरी हैट्रिक इस टूर्नामेंट की देखने को मिलेगी या नहीं, देखते हैं आखिरी गेंद पर क्या होता है। बॉल काफी बढ़िया बिल्कुल स्टंप पर की थी लेकिन पैर आखिरकार सामने आया और आखिरी गेंद पर लेग बाय के रूप में एक सिंगल और कुल स्कोर इस सिंगल के साथ पूरी पारी की समाप्ति के बाद निर्धारित 8 ओवर के बाद 61 टोटल स्कोर है और 62 रनों का लक्ष्य रखा है यहां पर एचटीएम सुपरस्टार्स ने। महादेव
पोसालिया को, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और गेंदबाजी का फैसला बिल्कुल जबरदस्त साबित होता हुआ महेंद्र कुमार के द्वारा मात्र 3 ओवर में उन्होंने 5 विकेट अकेले झटक लिए। शानदार गेंदबाजी। आज का सबसे अंपायर्स को पानी लेके जाए प्लीज, अंपायर्स को, कमिटी मेंबर अंपायर्स को थोड़ा पानी लेके जाए ग्राउंड पे, कमिटी मेंबर थोड़ा अंपायर्स को पानी पिला दे। ओके थैंक यू सर। गोडवार रॉयल्स गहलोत 11 और युवा संघ के कैप्टन आ जाए, अगले सेमीफाइनल के लिए ड्रॉ होने जा रहा है और जो ये टीम खेल रही है उसके अगर कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी हो तो वो भी आ सकते हैं ड्रॉ देखने के लिए। ये जो दो टीमें एसटीएम और जोगेश्वरी की जो टीम खेल रही है उनके एक एक खिलाड़ी हो तो वो भी आ सकते हैं। जो अभी ड्रॉ होगा, जो 3 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है और 4थी टीम के लिए ये मैच चल रहा है, तो इनके लिए अभी ड्रॉ होने जा रहा है। कौन किसके सामने सेमीफाइनल खेलेगा उसका ड्रॉ अब होने जा रहा है। जो मंच बना हुआ है ट्रॉफी का, ट्रॉफी रखी हुई है जहां पर चमचमाती MLP 2 के M3 की, वहां पर अभी ड्रॉ होने जा रहा है। युवा संघ के कैप्टन हमारे मंगलेश जी आ जाइए, ड्रॉ होने जा रहा है, प्लीज मोस्ट वेलकम। तो जो 3 टीमें सेमीफाइनल के लिए और 4थी जो यहां पर जो टीमें ये दो खेल रही है उनमें से जो आएगी जो विनर टीम होगी उन चारों के बीच में जो सेमीफाइनल होगा, कौन किससे भिड़ेगी, वो मुकाबला किसके साथ किसका मुकाबला होगा वो ड्रॉ के द्वारा अब निर्णय किया जाएगा। हमारे माली समाज के मुंबई के अध्यक्ष श्री चैनाराम जी से मैं निवेदन करूंगा कि अभी ड्रॉ होने जा रहा है तो प्लीज आप आइए, आपके कर कमलों से अभी ड्रॉ होगा। उसके साथ ही न्यू मुंबई के अध्यक्ष श्रीमान गजेंद्र जी, जोगेश्वरी के अध्यक्ष श्रीमान डूंगाराम जी, भाईंदर के अध्यक्ष सुरेश जी, प्लीज मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज। जो 3 टीमों ने साहब जो सेमीफाइनल के लिए प्रवेश किया है और 4थी टीम इनमें से जो विनर टीम होगी, तो इन चारों के बीच में अभी ड्रॉ के द्वारा कौन किसके साथ खेलेगी वो ड्रॉ होने जाएगा। ऊपर 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 लेगो जो जो है ऊपर लेगो। श्रीमान चैनाराम जी, सुरेश जी, डूंगाराम जी फ्रॉम जोगेश्वरी, न्यू मुंबई अध्यक्ष गजेंद्र जी, प्लीज मोस्ट वेलकम ऑन द स्टेज। जो 14 टीमें थी उनमें से कैप्टन आगे आ जाओ, कैप्टन गेवर जी, भावेश जी और मंगलेश जी, देखिए तो ये पहली टीम दूसरी टीम, पहला मैच युवा संघ और जो विनर टीम होगी उनके साथ होगा। अब आप समझ चुके हो कि अगला सेकेंड मैच किन के साथ होगा, तो पहला मैच जो है वो युवा संघ और विनर टीम के साथ में होगा। जो दूसरा सेमीफाइनल है वो गहलोत 11th और गोडवार रॉयल्स के बीच में होगा, वो फिक्स है, सेकेंड तो फिक्स हो जाएगा बिल्कुल। तो ये ड्रॉ के द्वारा डिसाइड हुआ है। पहला मैच जोगेश्वरी युवा संघ के बीच और जो ये टीम यहां पर जोगेश्वरी पोसालिया और एसटीएम की टीम खेल रही है उनमें से जो विनर टीम होगी उनके साथ होगा और दूसरा सेमीफाइनल गोडवार रॉयल्स और गहलोत 11 के बीच में होगा और इन दोनों में जो सेमीफाइनल जीतेगी दो टीमें वो फाइनल के लिए उसके बाद में खेलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत सर। बिल्कुल आप एक समाज के अच्छे कमेटी मेंबर्स, आपसे निवेदन है नाश्ता शुरू हो चुका है तो थोड़े सेवा के लिए पधारे। जो MLP के कमेटी मेंबर्स है अभी अल्पाहार की व्यवस्था है तो थोड़ा वहां पर आप व्यवस्था संभाले। Thank you.
झगड़ा घर में ही तो ये लास्ट क्वार्टर फाइनल चल रहा है, उसके बाद में दो सेमीफाइनल होंगे। पहला जो मैच है वो युवा संघ और जो ये टीमें खेल रही है उनके बीच में होगा, जो विनर होगी इनमें से, और दूसरा सेमीफाइनल्स बोडवार और गहलोत इलेवंस के बीच में होगा। बावेस लेके आए हैं फर्स्ट बॉलर एसटीएम से, हेलो 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 हेलो, हाँ बिल्कुल, हमारे मांगी लाल जी से निवेदन है, थोड़ा कमेंट्री बॉक्स पर चाय की व्यवस्था करें, लीजिएगा। बिल्कुल, ये सेकंड इनिंग शुरू हो रही है यहाँ पर पौसालिया महादेव पौसालिया की और एचटीएम सुपर स्टार की। They have given the target of 61 runs. Only one over for English commentary. I would like to present on this microphone. बिल्कुल, यहाँ वी कैन से अ सुपर शॉट बाय द मैच, अगेन अ व्यूज ऑफ बेस्ट फील्डिंग। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल क्वार्टर फाइनल ऑफ द दिस टूर्नामेंट विच इज बीइंग प्लेड बिटवीन महादेव पोसालिया एंड एचडीएम सुपरस्टार। नाइस शॉट बाय द बैट ऑफ मिस्टर मुकेश। Oh, very nice throw by the superb fielder of the team, Samrat. We can say a misfield, a miss opportunity. They can take easily run out by this superb throw, but they lost the chance. MLP commentaries, please request to give a light snack in the commentary box also, please. We are also part of your organization, so please do not forget us. Mangilal ji, please. Mangilal ji, ye miss ho gaye yahan par. They have also got a wonderful chance. They can out by the run out chance they have got, but they lost the opportunity. Again, after closing of first over of the last quarter final of this tournament, MLP League KM3 Cup, sponsored by all donors of MLP Society. Score has goes on 7. After a loss of no wicket has been lost. And I would like to request my respected senior commentator Prashant sir to please start your views and commentary by your mouth for the next one over. Thank you, respected thank you, Prashant sir. Steer कर दिया गेंद को, एक ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 7 रन। काफी कड़ा संघर्ष, कड़ा मुकाबला दो टीमों के बीच में, क्योंकि इसमें से जो जीतेगी उसी दे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। चौथी टीम, ऑलरेडी 3 टीम पहुंच चुकी है, युवा संघ, गहलोत और गुडवर्ड रॉयल्स, जिनका ड्रॉ हो चुका है। पहला मुकाबला यहां पे सेमीफाइनल का खेला जाएगा युवा संघ के बीच में। चालू जो मुकाबला है उसमें से जीती हुई टीम युवा संघ के साथ खेलेगी। लो फुल टॉस, ऑन साइड बहुत ही अच्छा फ्लिक का शॉट, यहाँ पे गेंद जाती है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, रुकेगी नहीं गेंद, सीमा रेखे के बाहर 4 रनों के लिए। It is no ball. It is bonus.
और ब्यूटीफुल कवरेज ऑन एलईडी स्क्रीन, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कैमरा वर्क है हमारे जीटीसी और बीआरजी लाइव के माध्यम से इसका लाइव कवरेज किया जा रहा है, लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। ऑल क्रेडिट गोज टू आवर कैमरामैन, ब्यूटीफुल वर्क। रन संख्या हो चुकी स्कोर कार्ड के ऊपर डबल फिगर में रन जाते हुए, वो 13 रन, नो बॉल करार दिया है एम्पायर ने। इज दिस फ्री हिट अंपायर, इज दिस फ्री हिट, यस इट इज फ्री हिट, नाउ इट इज फ्री हिट, नो नो इट इज फ्री हिट और नॉट, इट इज फ्री हिट, राउंड द विकेट, आगे बढ़ के खेलेंगे। उसी इनसाइड एज लगा, पीछे गई गेंद, स्टेप आउट हुए थे, डांसिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से, जो खड़ा खिलाड़ी खड़ा है सर्कल के अंदर उसके ऊपर से खेलने की काफी अच्छी कोशिश थी, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारे लेती हुई इनसाइड एज लगने के बाद गेंद निकल गई शॉर्ट फाइनल की दिशा में और वहां से एक रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। रन संख्या में वृद्धि होती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चुके, वो 14 रन बिना कोई क्षति के, बिना कोई नुकसान के, अच्छी शुरुआत यहाँ पे महादेव पोसारिया की। आगे बढ़ के ऑन साइड में हल्के हाथ से खेलने की कोशिश, अंपायर देख रहे गेंद कहां पे ब्रश हुई, तब तक दूसरे रन के लिए निकल पड़े और 2 रन यहां से पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। रन संख्या इस 2 रन के साथ आगे बढ़ी है स्कोर कार्ड के ऊपर, वो 16 रन, 16 विदाउट लॉस इन द सेकेंड ओवर बाय गोपाल। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे हमसे दूर जाते हुए गोपाल, राइट हैंडेड बैट्समैन, स्ट्राइक एंड के ऊपर वो मुकेश के लिए, फिर एक बार बॉटम हैंड, हेलो, और ये डायरेक्ट हिट का प्रयास, अच्छा बैकअप, हेलो, गेंद को फेंकने के बाद फॉलो थ्रू में चले गए और फॉलो थ्रू में कवर करने के बाद गेंद को डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, लेकिन एक रन यहाँ पे चुरा लिया। एक्सक्यूज मी सर, वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक सूचना के रूप में निवेदन चाहूंगा, वीवो का एक मोबाइल, हमारी वीवो 55 हमारी किसी बहन जी का मोबाइल जो था वो खो गया है, मेहरबानी करके सभी सजग सक्रिय शिक्षित सज्जन ईमानदार बंधु यहाँ पर विराजित है, पधारे हुए हैं, तो मुझे पूरी आशा है, अपेक्षा है, उम्मीद है आपसे कि आप वो मोबाइल जिसको भी मिले वो अवश्य लौटा देवे, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है। लीजिए कैरी ऑन आवर रेस्पेक्टेड प्रशांत सर। सर इज टेकिंग द टी, सो नाउ वी आर फ्री, द फर्स्ट विकेट गोज ऑन 17 रन, पहला विकेट यहां पे चटकाते हुए गेंदबाज इस ओवर में गोपाल, पहली सफलता मिल चुकी है वो एचटीएम को, पहले बल्लेबाजी की एचटीएम ने, टॉस जरूर जीता था महादेव पुसालिया ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय और बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया था वो महादेव पुसालिया की टीम को, एचटीएम सुपरस्टार को, जिन्होंने सीमित 8 ओवरों में रन बनाए वो स्कोर कार्ड के ऊपर, वो 61 रन और 62 रनों का लक्ष्य, 62 रनों की चुनौती और 62 रनों का टारगेट यहां पे रखा है वो महादेव पुसालिया की टीम के सामने। तो पहले विकेट का पतन, रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चुकी वो 17 रन, फिर एक बार गोपाल हमसे दूर जाते हुए ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ओ अच्छी गेंद थी, आउटसाइड एज लगा, तेजी के साथ गेंद निकलती हुई शॉट थर्ड शॉटमैन की दिशा में, लेकिन सिर्फ एक रन से ही संतुष्ट, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, अच्छी फील्डिंग। आगे अंपायर का इशारा आता हुआ, जी हाँ गेंद पैड पे पैर को लगने के बाद पीछे चली गई, लेग वाइज का इशारा, मतलब ये रन यहाँ पे अतिरिक्त रन में गिना जाएगा। एलईडी जॉइंट स्क्रीन यहाँ पे शुरू हो चुका है, ऑल्सो थैंक्स टू बीआरजी लाइव जिनके माध्यम से ये एलईडी स्क्रीन यहाँ पे लगा दी गई है, जिसके माध्यम से जरूर हमारे जो दर्शक एलईडी स्क्रीन का मजा ले सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छा कवरेज आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं इस टूर्नामेंट का ये क्वार्टर फाइनल, लास्ट क्वार्टर फाइनल, फोर्थ क्वार्टर फाइनल, ऑलरेडी 3 टीम क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, और इसमें जो जीतेगी वो सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करने के बाद इसके बाद तुरंत मुकाबला करेगी वो युवा संघ का। युवा संघ आज के इसके टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी टीम मानी जाती है, खास करके उनकी बॉलिंग साइड, अब तक 2 मैच वो खेल चुके हैं लेकिन 40 के ऊपर अभी तक उन्होंने सामने वाली टीम को रन नहीं दिए, ये इनकी खासियत है।
तो तीसरा ओवर लेके गेंदबाज तैयार अर्जुन। और स्ट्राइक पे है बल्लेबाज मुकेश अर्जुन टू मुकेश ओवर द विकेट। बहुत ही अच्छा शॉट अपर कट वीरेंद्र सेवा के माध्यम से ये शॉट हमको जरूर देखने को मिला था। गेंद जाती है डीप सेंटर बाउंड्री के पास और तब तक दो रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। वीरेंद्र सेवा की स्टाइल में गेंद को खेला। आप फिर एक बार एक्शन रिप्ले देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। लाजवाब मुजाहरा यहां पे ऑन द टोस खड़े थे और गेंद को अपर कट के माध्यम से खेल दिया दो रन के लिए। रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी। अंपायर कुछ इशारा कर रहे हैं स्क्रीन के सामने। प्लीज कोई मत खड़े रहिए। अंपायर कुछ इशारा कर रहे हैं स्क्रीन के सामने। कोई भी दर्शक वहां पे खड़े मत रहिए। एक्सक्यूज मी सर। कमिटी मेंबर्स प्लीज ध्यान रखिए अंपायर को इशारा कर रहे हैं। वो स्क्रीन के सामने प्लीज कोई भी दर्शक खड़ा ना रहे। एक्सक्यूज मी सर। हेलो महिलाएं जो भोजन मंडल में खड़ी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा नाश्ते के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। गर्मा गर्म बन रहा है आपके लिए। थोड़ी देर के लिए आप बाहर आ जाए तो आपको गर्मा गर्म नाश्ता मिलेगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार यहाँ पर भोजन की व्यवस्था और हमारी जो कैटरिंग टीम है कैटरिंग स्टाफ जो है पावेश्वर कैटर्स गोविंद जी माली बहुत ही स्वादिष्ट भोजन आपकी पूरी टीम की ओर से तैयार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। इसी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों से आप पूरे भारत भर में अपना नाम कमाएं ऐसी शुभकामनाएं। और पुनः निवेदन अपनी माता बहनों से हमारी यहाँ महिला शक्ति जो पधारे हैं उनसे निवेदन है कि माता बहनें प्लीज़ मेहरबानी करके थोड़ी देर के लिए आराम करें। मात्र 15 मिनट में आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है और लीजिए चाय की चुस्की के साथ में प्रशांत जी सर की गर्मा गर्म कॉमेंट्री। स्टार्ट प्लीज। और यहाँ पे दो रन अंकित किए जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। बल्लेबाज मोशन में थे। रन संख्या हो चुकी स्कोर कार्ड के ऊपर 22। यहाँ पे दो रन अंकित किए जाएंगे इस गेंद के ऊपर। अर्जुन फिर एक बार तैयार। बल्लेबाज सामने मुकेश टैप कर दिया गेंद को शॉर्ट पॉइंट की दिशा में। एक रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। दो दशमलव तीन ओवर अब तक हो चुके हैं और रन बने वो 23। अगली गेंद ओ बाहर बुलाया यहाँ पे न्योता दिया। अच्छी गेंद टप्पा गिनने के बाद शॉट ऑफ गुड लेंथ से गेंद थोड़ी सी मात्र टेकअप होती हुई। ये गेंद डॉट थोड़ा सा प्रेशर बनाते हुए गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर। काफी बड़ा नहीं है 62 रनों का यहाँ पे लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए। और अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रन रेट मेंटेन किया है महादेव पुसले की बल्लेबाजों ने। अगली गेंद फिर एक बार तैयार। अर्जुन ओवर द विकेट। ओ बहुत ही अच्छी गेंद काटो भरा मुकाबला। इसके पहले शॉर्ट अप गुड लेंथ और इसके बाद ओवर पिच लाजवाब। क्या वेरिएशन है गेंदबाजी में। अर्जुन जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे इसकी अगर पहले बात करें तो तीन गेंद उन्होंने फेंकी थी। तीनों गेंदे के ऊपर सिर्फ 5 रन आए थे। उसके बाद जो 2 गेंदे फेंकी वो सचमुच काबिले तारीफ। लाजवाब गेंदबाजी अर्जुन के माध्यम से पूरी तरह से बांध के रखा है सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर मुकेश को। बैकफुट पे चले गए ऑन द टोस लाजवाब स्ट्रोक। बहुत इंप्रोवाइजेशन स्ट्रोक। गेंद रुकेगी नहीं गेंद सीमा रेखे के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू। रन संख्या 27। आप फिर एक बार एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से वो बॉडी लाइन गेंद थी और बॉडी लाइन गेंद को ऑन द टोस खड़े रहने के बाद एक जबरदस्त एग्जीक्यूशन किया। इंप्रोवाइजेशन दिखाया उस स्ट्रोक के ऊपर और चौका बटोर लिया बल्लेबाज
महेंद्र के बल्ले से। उसी के साथ ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी स्कोर कार्ड के ऊपर, वो 27 रन, 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक 27 रन बने हैं। इस मैच को जीतने के लिए रन बनाने वो 62 रन अभी तक आए हैं 27, मतलब अभी भी मैच को जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता है। आने वाली 30 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। काफी हमारे कमिटी मेंबर्स थे, हमारे दर्शक थे, जीवन भाई जी थे, काफी लोगों ने यहाँ पे प्रेडिक्शन किया था कि मुकाबला काफी काटो भरा रहेगा। भावेश प्लीज, समय नहीं है अपने पास, थोड़ा सा फुर्तीला अपना खेल दिखाए भावेश। गेंदबाज है भावेश, चौथे फ्रेश गेंदबाज, अच्छा स्ट्रोक, बॉटम हैंड के सारे गेंद को एग्जीक्यूट किया, बैट और पैड को एक साथ लाया, मिसफील्ड हुई वहां पे, दूसरे रन के निकल पड़े, दूसरा रन भी यहाँ पे तेजी के साथ पूरा कर लिया, ओवर थ्रो भी यहाँ पे जरूर मिलेगा, तीसरा रन भी यहाँ पे जरूर पूरा करेंगे, कोई भी बैकअप नहीं था वहां पे। लॉन्ग ऑफ की दिशा से थ्रो जरूर आया, हाफ वॉली करने के बाद ब्यूटीफुल ड्राइव देखने को मिला आपको, मिड ऑफ की रीजन से गेंद को एग्जीक्यूट किया, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद चली गई और वहां से तीन रन बटोरे वो दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित हो चुकी, वो 30 रन अभी भी यहाँ पे 32 रनों की आवश्यकता। ये चौथा ओवर भावेश का, गेंद हवा में है, लीडिंग एज लगाया, गेंदबाज गेंद के नीचे, यस इट इज आउट, खुद की गेंद के ऊपर फॉल थ्रू में बेहतरीन कैच लपका है वहां पे भावेश ने, बल्लेबाज आउट। थैंक यू डीजे। भावेश ने विकेट चटकाया, गोपाल ने एक विकेट चटकाया इसके पहले महेंद्र का, और महेंद्र के का विकेट चटकाया वो गेंदबाज भावेश ने। भावेश फिर एक बार हमसे दूर जाते हुए, ये बल्लेबाज आए मैदान के अंदर, वो नरेश। स्ट्राइक एंड पे नहीं बल्लेबाज नरेश, राउंड विकेट, ओ बॉटम एंड, अच्छा यहाँ पे फुटवर्क, बैकफुट पे चले गए, उस पुश कर दिया गेंद को, मिसफील्ड हुई यहाँ पे, जरूर गेंद वहां पे डॉट जानी चाहिए थी लेकिन मिसफील्ड के सारे, देखना है यहाँ पे एक रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने, रन संख्या में वृद्धि होती हुई, रन संख्या आगे बढ़ी स्कोर कार्ड के ऊपर वो 31 रन, और उसी के साथ नरेश ने अपना खाता खोला। लेफ्ट आर्म राउंड भावेश, अच्छा फुटवर्क, बहुत ही अच्छा यहाँ पे टाइमिंग, लेग लांस कर दिया, गेंद जल्दी फ्लिक के माध्यम से स्क्वायर लेग की दिशा में, क्या फुटवर्क है, क्या टाइमिंग है बल्लेबाज मुकेश का, सचमुच काबिले तारीफ। 32 ऑन द बोर्ड, 32 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, पारी का चौथा ओवर प्रगति पथ पे है भावेश के माध्यम से, उठा दिया है लॉन्ग रन की दिशा में, देखना है खिलाड़ी गेंद के नीचे, और ये आउट। कमिटी मेंबर्स कुछ कह रहे हैं अंपायर्स को, कमिटी मेंबर कुछ बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, और ये सिक्स खुद कबूल किया यहाँ पे खिलाड़ी ने, क्योंकि मैंने जब गेंद कवर की तो मेरा पैर बाउंड्री लाइन के बाहर था, यस इट इज सिक्स, ह्यूज सिक्स। एक वीवो 55 है, वीवो का 55 मोबाइल गुम हो गया है, किसी को ही प्राप्त हो तो तुरंत कमेंट्री बॉक्स में भिजवाए, वीवो 55 मोबाइल खो गया है, किसी का भी हो तो तुरंत कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाए। ओ लाजवाब स्ट्रोक, लाजवाब, टूर्नामेंट का सबसे पहला के बीच में पड़ा हो तो मेहरबानी करके दीजिए, मैं दो दिन से इधर तरस रहा हूं समाज के लिए।
लेडीज के लिए नाश्ता तैयार है और फोन भी होएगा तो दे देना कमेंट्री बॉक्स में, मेहरबानी होगी आपकी। टूर्नामेंट का ऐसा पहला सिक्स है जो कमेंट्री बॉक्स के सामने देखने को मिला। ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय मुकेश, कौन है नरेश, आप देख रहे हैं एक्शन रिप्ले स्क्रीन के ऊपर, जिस तरह से यहाँ पे कैच लपका गया वो खुद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए थे और अंपायर ने दर्शा यहाँ पे सिक्स, और ये लाजवाब कैच आउट, क्विक रिप्लाई। हेलो 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 भैया, हाँ बिल्कुल प्रशांत सर, क्षमा चाहते हुए आपसे, बिल्कुल आपकी कमेंट्री वास्तव में लाजवाब तारीख के काबिल बे, अगर हम भैया प्लीज़ टाइम एंड टाइड आर वेट फॉर नन, प्लीज़ मेहरबानी करके समय का थोड़ा ध्यान रखें और जो बैटिंग टीम है वो भी अपने बैट्समैन को जल्दी से मैदान में भेजें, किसी भी प्रकार से जो वार्तालाप है डिस्कशन है वो समय प्रैक्टिस और मैनेजमेंट का समय पहले का था, प्लीज़ आप बस शॉट लगाते रहें और बॉल करते रहें। और जीवन जी के ये जो मोबाइल वीवो की बात हो रही है वो जीवन जी के ही आसपास का फ़ोन है, घर का ही फ़ोन समझो, और हम पूरी उम्मीद करते हैं लक्ष्मीदास जी के चरणों में कि अगर आपने ईमानदार और अच्छे समाज सेवी हैं तो गुरुदेव की कृपा होगी और फ़ोन आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल ऐसी आशाएं हम महिला शक्ति से करते हैं कि हमारी माता बहनें जितनी भी यहाँ पधारी हैं कहीं ना कहीं मोबाइल की घंटी ज़रूर बज रही हैं और मोबाइल आपको ज़रूर मिलेगा, और ये हमेशा एक अंदाज होता है कि अगर आसपास की महिलाएं मुस्कुरा रही है यानी मोबाइल कहीं आसपास ही पड़ा है, तो हम पूरी आशा करते हैं कि जल्दी से आपको मोबाइल मिले और भाभी जी की चिंता खत्म हो, ऐसी आशा के साथ में लीजिएगा। अगेन रिक्वेस्ट टू द कमेंटेटर प्रशांत जी सर, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू हरीश जी। काफी महत्वपूर्ण सूचना आपने बताई हमारे दर्शकों को, वो द विकेट वो बाहर बुलाया न्योता दिया, लेकिन अंपायर हमारे पास जुड़ते हुए अपनी दोनों बाएं फैलाते हुए हाथ फैलाते हुए राम सरोज हमसे इशारा करते हुए हमारे स्कोर को इशारा करते हुए, गेंद वाइड है, रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर वो 39, अभी भी 23 रनों की दरकार है। वो ऑन ड्राइव बहुत ही अच्छा स्ट्रोक बैक टू द बॉलर, प्रयास अच्छा था गेंदबाज का फॉल थ्रू में गेंद को कवर करने का, लेकिन एक चिकी सिंगल कंप्लीट किया, चुरा लिया रन वहां पे और एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी वो 40 ऑन द बोर्ड, 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 22 रनों की अभी भी दरकार है आने वाली 22 गेंदों में। प्रशांत जी काफी देर से अपना जो दर्शकों का जो मूवमेंट था अपना दोनों का बीच का वो काफी फैसला हो चुका है, कुछ थोड़ा सा मूवमेंट हो जाए दर्शकों को कुछ आनंद आए वैसा। लाउड अपील, जोरदार अपील है, देखना है एम्पायर के ऊपर कोई इशारा नहीं, कोई दबाव नहीं है, दोनों एम्पायर काफी अच्छे निर्णय के हकदार हैं इस समय, ये जो अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला है इस टूर्नामेंट का। नहीं, जिस तरह से हम कल से बात करें कि फील्डिंग का प्रयास अच्छा रहता है, फील्डिंग का जो प्रयास कर रही है कोई भी खिलाड़ी जो अच्छा प्रयास करते हैं, अगर उसके लिए एक प्राइज रहता था जरूर उसको मिलता था, ये हम बात कर रहे थे, तो आपने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया और आपने बोला कि अगले साल हम जरूर प्रयास करेंगे कि ऐसे ही कोई खिलाड़ी अगर सामने आते हैं तो उसको हम कुछ तो गिफ्ट देंगे या कुछ प्राइज रखेंगे। तो मैं और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो दर्शक है हमारे अगर सीमा रेखा के बाहर अगर सिक्स को अगर कैश में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए भी प्राइज आप अगले साल रखिए, दर्शकों का भी मजा आएगा, दर्शकों का भी हौसला बुलंद रहे और हर साल इस टूर्नामेंट में वो ज्यादा से ज्यादा भाग लेवे, यही मैं अपना कमेंट्री बॉक्स से मैं एक शुभकामना देता हूँ कि ये भी प्रयास मेरे में रहेगा। जो भी दर्शक सीमा रेखा के बाहर उम्मीद करता रहेगा कि मेरे पास गेंद आ जाए, क्या है कुछ दोनों एम्पायर कमेंट्री मेंबर कहाँ है, क्या है कुछ मैदान के बीचों बीच क्या चल रहा है, समय काफी कम है अपने पास, दोनों टीमों के कैप्टन ध्यान दे, विशेष करके समय को पूरा ख्याल रखे, एम्पायर से नहीं उलझे, प्लीज डोंट ओवर रूल द अंपायर्स, कमेटी मेंबर ध्यान दे, दो जन अंदर है, क्या है जल्दी से वो सुलझाए मामले को, अंपायर्स का जो भी निर्णय है वो अंतिम निर्णय रहेगा, इतना ध्यान में रखिए, प्लीज रिस्पेक्ट टू द अंपायर्स,
प्लीज रिस्पेक्ट द ऑफिशियल्स। सभी मैचेस काफी शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, मैचों जो एम्पायर हाँ। जो बोल रहे हैं वो एकदम सही और महत्वपूर्ण अंतिम निर्णय होता है एम्पायर का। क्रिकेट में सबसे ज्यादा योगदान एम्पायरों का ही होता है। जी हाँ जी हाँ, और उनका एक मैं जरूर कहूंगा जी, उनका एक शब्द रहता है कि मेरे पूरे कार्यकाल में मेरा हमेशा यही मानना रहेगा कि किसी की ओर कभी अन्याय ना हो, ये मैं जरूर याद रखूंगा और उसी तरह से प्रयत्न करूंगा क्रिकेट के लिए। ये क्रिकेट के जगत में जज का कहते हैं एम्पायर, जो निर्णय आता है अंतिम निर्णय उनका ही रहता है। वो द विकेट फुल टॉस है, ऑनसाइड में खेल दिया, खिलाड़ी काफी दूर है और पीछे जा रहे हैं, लेकिन जब तक वहां से गेंद उठाते तब तक दो रन का इजाफा। मैं यहाँ पे जरूर करूंगा जीवन जी कि यहाँ पे कैच लपकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी रन काफी कम है, विकेट आपको चटकाने हैं, विकेट लेने हैं, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। कांदे थोड़े से चुक गए हैं फील्डिंग करने वाली टीम के। जो कल का जो समय था प्रसन्न जी, वही समय आया गया है बॉलर का जो दिख रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा फल्टी है। ये टीम जो है बैटिंग काफी अच्छी कर रही है, इस समय जीत के करीब जाती हुई, सेमीफाइनल का जो जरिया है उनके दिल में हृदय में है वो बाहर आता हुआ दिख रहा है मेरे को कमेंट्री बॉक्स से। ओ बहुत ही अच्छा स्क्वायर कट, चित्रशक वहां पे है मौजूद, जब तक वहां से गेंद उठाते तब तक एक रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर। हमारे साथ हमारे स्कोर यादव मुझे बता रहे स्कोर हो चुका है वो 44 रन, 62 रनों का यहाँ पे लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए। 62 रन बनाने हैं, बनाए हैं 44 रन, अभी भी 18 रनों की आवश्यकता, गेंदे शेष है वो 20, 19 गेंदे और 18 रन। फिर एक बार बॉटम हैंड के सारे गेंद को खेलने की कोशिश, ऑन द टोस खड़े हो गए थे, लेकिन गेंद कहाँ पे ब्रश हुई अंपायर देख रहे हैं गेंद को, लेग बाइज के सहारे गेंद जाती हुई पीछे। अभी भी गेंदे शेष है वो 18। रन संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर वो 45 रन, 45 रन ऑन द बोर्ड। इक्वेशन बता रहा हूं आपको, अभी भी 17 रनों की आवश्यकता आने वाली 18 गेंदों में, 18 बॉल एंड 17 रन टू विन फॉर महादेव पुसालिया। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला जीवन जी, बहुत रोमांचक स्थिति में जाता हुआ मैच ये, मुझे जो क्वार्टर फाइनल का अंतिम मुकाबला काफी रोमांचक स्थिति में जाता हुआ। थोड़ी देर पहले ऐसे मुझे लगा था कि माली समाज की दोनों टीमें बहुत बेहतरीन है। जी हाँ जी हाँ, और इस समय मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि किसकी झोली में ये जीत जाएगी। एक तो मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा, नहीं तो मैच एक तरफा होगा, लेकिन अभी लग रहा है कि मैच आखिरी ओवर तक शायद जाएगा, क्योंकि 17 रन अभी भी चाहिए और 18 गेंदे सिर्फ आपके पास शेष है। लेकिन एक बात मैं जरूर सराहना करना चाहूंगा हरी जी, जितने भी कल मोबाइल जोरदार ताली बजा दीजिए सभी लोग, जीवन जी माली का मोबाइल मिल चुका है, एक बार सभी लोगों से चाहूंगा बोलो लक्ष्मीदास जी महाराज की जय हो जय हो। जिनको भी मिला है नाम गुप्त रखा जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अलग से प्राइज भी दिया जाएगा। बिल्कुल हाँ, स्कोर बोर्ड 18 बॉल में 17 रन चाहिए, 18 बॉल 17 टू विन, 45 रन हो चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, 18 बॉल 17 रन, 18 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता। चलो मैच को तुरंत स्टार्ट कीजिए, बोथ अंपायर्स एंड प्लेयर्स रिक्वेस्ट टू यू प्लीज स्टार्ट द मैच इमीडिएटली। 18 बॉल एंड 17 टू विन में प्रसन्न जी हमारे पास इंग्लिश कमेंटेटर भी थे हरीश जी, जो राजस्थान से स्पेशल इस टूर्नामेंट के लिए बता रहे हैं, और हमेशा हमारी दोस्ती यारी गहरी है, दलजी भाई साहब ने इनको बुलाया है, 4 साल से ये आते हैं।
कमेंट्री जो हो रही है वो एकदम सही है और स्कोरर एकदम सही स्कोर लिख रहा है, कोई भी तकलीफ नहीं स्कोर में, जो स्कोर रहेगा टीम उल्ज के लिए उलझे नहीं। अरे लिख रहा नहीं, स्कोर में कितना है, ईयरो में कितना है रन, वो बोल रहे 9 आया है, कौन सा बॉलर अर्जुन का ना, हां 7 रन आए इस ओवर में, 7 रन आए। हेलो, एक निवेदन चाहूँगा मैं, मैं सभी दोनों ही टीम से निवेदन चाहूँगा, जब इस मैच का आगाज हुआ था उस आगाज में ही आपसे ये कह दिया गया था कि जीत के लिए 62 रनों की आवश्यकता है, तब से बार बार अनाउंस कर रहे हैं 62 रन टू विन नो 63। 61 बने हैं, 62 रन जीत के लिए चाहिए, और ये अन्य जितने भी खिलाड़ी मैदान में है मेहरबानी करके आप बाहर पधारें, सभी से निवेदन है प्लीज मैच कैरी ऑन रहे, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं। और हाँ, अगर रही बात ऑब्जेक्शन की, तो वो लास्ट ओवर में ऑब्जेक्शन नहीं होता है, फर्स्ट और सेकंड ओवर में ही आपको ऑब्जेक्ट करना था। थैंक यू। मैं पूरी तरह सहमत हूँ उनका, हम इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे पास चाहिए, उनका एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे पास ऑलरेडी है। आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर पहले तो भेजो, जब से पहले बोला था ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी है वो, नहीं नहीं उनका जो दूसरी टीम का है क्या, तो उनको मालूम है ना स्कोरर जो बन रहा है उनको मालूम है ना पूरा, दूसरी टीम का किधर है, एम्पायर प्लीज जो भी मैदान में है बाहर जाए। आशीष इधर आओ, आशीष एक रन के लिए कुछ स्कोर में कुछ चेंजेस नहीं होता है भावे जी, ध्यान रखे। आशीष उपाध्याय, जल्दी से जल्दी फील्ड की सजावट की जाए, समय नहीं है अपने पास, मैच शुरू कीजिए प्लीज अंपायर्स, प्लीज स्टार्ट द मैच इमीडिएटली, समय काफी कम है अपने पास, जल्दी से जल्दी आए। हेलो, हाँ अभी जो आपकी, ये कौन सी टीम है आपकी, एसटीएम, एसटीएम टीम के जो अभी हमारे साथ में बैठे थे वो भैया प्लीज वापस आए एक बार, नहीं 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 वो थे एसटीएम टीम के जो यहाँ पर बैठे थे कमेंट्री बॉक्स में, अभी जो गए यहाँ पर, अभी मैदान में जो
अभी मैदान में जो बिल्कुल ये लाइट क्रीम कलर का शर्ट, ग्रे कलर का शर्ट पहना हुआ था, अभी मैदान में घूम रहे थे कुछ ही देर पहले रंजीत जी सर के साथ में, आशीष सर के साथ में, जो कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे वो अभी वापस कमेंट्री बॉक्स में आ जाए भैया। एसटीएम टीम के कमेंट्री बॉक्स में जो बैठे थे उनसे निवेदन है वापस कमेंट्री बॉक्स में आ जाए वो। क्या बात है यार, प्लेट आगे रखे, प्लेट इधर में डाले, कोई भी ये डस्टबिन में प्लेट मत डालो, डस्टबिन में सिर्फ थर्माकोल प्लेट डालिए प्लीज, प्लास्टिक प्लेट मत डालिए। एक बार फोन आपको लेके चलता हूँ और अच्छी गेंद, एक बार फिर शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, एक रन लेने का सुनहरा अवसर, एक एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में सुरक्षित। आशीष उपाध्याय कमेंट्री बॉक्स में आइए प्लीज, आशीष उपाध्याय जहाँ कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में पधारे। अगली गेंद, एक बार फिर अच्छी गेंद थी, जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, दो खिलाड़ी के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के करीब, लेकिन जब तक गेंद फील्ड होके आती दो रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस दो रन के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ 50 रन पूरे। छठा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, तीन खिलाड़ी पैवेलियन में जा चुके हैं। अगली गेंद गोपाराम जी की, बहुत लंबा उठा दिया है, हवा में है गेंद, देखना है गोपाराम जी नीचे और आउट, सीधा आउट, एक और झटका लगता हुआ। महादेव पोसालिया का एक और विकेट गिरता हुआ पैवेलियन में जाता हुआ इस समय। नए बल्लेबाज के रूप में स्थान ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं क्रीज पे तरुण, देखना है आउट होने के बाद तरुण इस टीम को कितने गेंद, कितना रन है। अगली गेंद गोपाराम जी की, उठा दिया है गेंद को और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, चार रन सीधा सीमा रेखा के बाहर, एमएलबी फोर। बहुत बेहतरीन और हिट शॉट इस समय देखने को मिल रहा है, चार रन का और इजाफा। गोपाराम की अगली गेंद, माली समाज के धुरंधर बॉलिंग मैट पे गोपाराम, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा, एक और अतिरिक्त के खाते में जाता हुआ वाइड बॉल, काफी अच्छी एम्पायरिंग का जो हमारे सामने YouTube पे पूरा लाइव, अपने समाज के जितने भी हमारे मेहमान गणमान्य व्यक्ति बाहर विराजमान है वो इस मैच को आंखों देखा हाल देख रहे हैं। गोपाराम धीरे धीरे अगले पायदान पर, और ये गेंद अच्छी है और क्लीन बोल्ड, एक और झटका लगता हुआ। पचपन रन का स्कोर और एक गोल बाकी है ना। नए बल्लेबाज के रूप में कौन है, कौन
महादेव इलेवन पोशालिया। अरे भूरिया बाबा नम तो रे भूरिया बाबा हिड़ता रे होनारो चढ़ रे महादेव कल पोशालिया। अच्छी गेंदी एक बार फिर वाइड बॉल का इशारा एम्पायर काफी सूझबूझ से इशारे में थोड़ी सी ढिलाई बरते हुए और इस इशारे को सही महत्वपूर्ण इशारा दिया और वाइड बॉल का इशारा एक और अतिरिक्त रन के खाते में जाता हुआ। अगली गेंद अच्छी गेंद थी उसको सम्मान दिया गेंद को जा रही है गेंद फील्डर के हाथों में जहां तक गेंद फील्ड हो गया थी एक रन लेने का दोनों ने आंखों आंखों में एक रन चुरा लिया। छह ओवर की समाप्ति के बाद 57 12 गेंदे अभी शेष हैं 5 रन बनाने हैं। ये सेमीफाइनल का अंतिम क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला है जो भी टीम इसमें से जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी उसका उसके बाद तुरंत मैच है। इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो युवा संघ के सामने भिड़ेगी सेमीफाइनल के लिए। 22 कैप्टन बॉलिंग बैट में देखना है क्या करिश्मा करते बावेश। बावेश की ये गेंद अच्छी गेंद थी शॉर्ट मिड विकेट पर और गेंद जा रही है जब तक गेंद फील्ड होती एक रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के बीच में। बावेश तैयार अच्छी गेंद सम्मान दिया उस गेंद को ऑफ साइड की दिशा में लेकिन गेंद तो फील्ड होती और खतरा लेकिन एक रन लेने का सुनहरा अवसर दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने क्रीज चेंज किए और एक रन पूरा किया एक रन के साथ स्कोर में और इजाफा होता हुआ। बावेश छोटा सा रनअप अच्छी गेंद बावेश की मिडिल स्टंप के ऊपर से विकेट के ग्लव्स में सीधी गेंद लेकिन जब तक गेंद बावेश के हाथों में आती तब तक कोई रन नहीं कोई खतरा नहीं दोनों बल्लेबाज अपने अपने सुरक्षित क्रीज में मौजूद धीरे धीरे लक्ष्य है वो पूरा करती हुई पोशालिया की टीम। अच्छी गेंद पैड पे लगी लेकिन विकेट से मिस एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। मात्र 2 रन जीत के लिए पोशालिया के लिए। अगली गेंद भावेश की वाइड गेंद का इशारा एक और अतिरिक्त रन के खाते में आता हुआ वाइड बॉल एम्पायर द्वारा एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में मात्र 1 रन चाहिए। उठा दिया है लेकिन ये आउट। ओवर की समाप्ति 6 गेंदे 1 रन दोनों स्कोर इक्वल हो गया है। उसके बाद पोशालिया और युवा संघ के बीच मुकाबला होएगा। 1 रन चाहिए 1 रन के बाद जो भी रहेगा वो देखते हैं। 6 गेंदे बाकी है अभी तक 6 गेंदों में 1 रन चाहिए। जीवन जी मेरे हिसाब से फील्डिंग टीम को हार नहीं माननी चाहिए आखिरी गेंद तक लड़ना भी चाहिए मैडन भी जा सकता है लड़ना चाहिए आखिरी गेंद तक मैडन भी जा सकता है कुछ भी हो सकता है जा सकता है बिल्कुल जा सकता है। तो शायद आशीष जी इक्वल स्कोर हुआ है
तो उसका क्या निर्णय आएगा आपको भी मालूम है। अब देखते हैं गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। छह गेंदे सिर्फ टप्पे पर करनी है। पहली गेंद और पहली गेंद पर पुल करने का प्रयास विकेट कीपर के हाथों में गेंद, कोई अपील नहीं, सीधा आउट। और इस बीच अंपायर का निर्णय देखना क्या होता है और विकेट का पतन होता हुआ अंपायर ने आउट करार दिया है। और अब पांच गेंदे और एक रन। ध्यान रहे मुकाबला अगर टाई पर छूटता है, बराबरी पर छूटता है तो एक सुपर ओवर, एक ओवर का मैच खेला जाएगा। एसटीएम सुपरस्टार्स ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया है और अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। आखिरी पांच गेंदे और जीत के लिए एकमात्र रन की जरूरत है महादेव पोसालिया को। इंतजार अभी भी बाकी है, पांच गेंदों का सामना करना है। हालांकि विकेटें काफी गिर चुकी हैं, सात विकेट गिर चुकी हैं लक्ष्य का पीछा करते करते। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद, कट करने का प्रयास, गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली। मैच में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। चार गेंदे और एक रन, शुरुआत की दो गेंदे डॉट एक विकेट के साथ। बल्लेबाजों को बांध के रखा है आशीष जी, बिल्कुल बांध के रखा है। हाँ। कोई दो राय नहीं, सभी के सभी प्लेयर आगे आ चुके हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे ये मैच में अनुशासन बनाए रखे मैच में। कमिटी मेंबर सभी ग्राउंड पे जाए तुरंत।